रेड ब्लू ग्रीन है बंदर तीन। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो है लेकिन मरवत की चंद ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, मतलब पकोड़े हो गए, पापड़ और आलू हो गए, ठीक है, लेकिन मरवत में किधर के मशहूर है। तो आज अभी हम जो है जिस स्पॉट पर मौजूद हैं वो है सरहन इंस्टीट्यूट के बाहर जो पकोड़े लगे हुए हैं, लोग बिल्कुल अपोजिट साइड पर हैं। लोग कहते हैं कि इनके पकोड़े बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो आए हम टेस्ट करते हैं कि कैसे होते हैं। पकौड़े आ गए यहाँ पे, सेल्फ सर्विस है, सेल्फ सर्विस है नहीं खैर, लेकिन हमने किया है। शानू चेक करके बताओ, मंदरखेल के पकौड़े भी तुमने खाए थे, तो यहाँ की भी खा लो, यहाँ की कैसे है। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बताओ टेस्ट कैसा है? मंदरखेल के। और ये अगर आप लोगों ने मंदरखेल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें मैं असल में उसकी वजाहत कर रहा हूँ। मंदरखेल कैसे थे वो? मंदरखेल वालों में क्या ऐसा अच्छा था जो इनमें नहीं है? वो पकौड़ों की चटनी भी अच्छी थी। तो ये चटनी किस चीज़ की है? सलाजीत। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, किस चीज की चटनी है मैं पूछ रहा हूँ ना, वैसे पूछ रहा हूँ। तरवो। I don't know। पकोड़ी बहुत ही जबरदस्त है। वो वाली चटनी किस चीज की थी? किस चीज की चटनी थी वो? तो तुम जो बोल रहे हो कि उसकी चटनी अच्छी थी, उसकी ये चीज अच्छी थी, तुम्हें याद भी नहीं है कि उसका टेस्ट कैसा था? अमरूद। हाँ, साथ में दही। हाँ, उसकी चटनी। और इसमें उसमें क्या है? तरवे। रस क्या है यार, शानू कसम से बेहतर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस इनके आलू के पकोड़े और प्याजों के बहुत अच्छे हैं। मंदरखेल के से मंदरखेल से अच्छे हैं, मंदरखेल वाले से अच्छे हैं। हाँ, टेस्ट वाइज वो अच्छे हैं। अच्छा, और इनके जो ये क्या कहते हैं इनको, पकौड़ों का आधा आटा, पकौड़े का बेसन होता है कि क्या होता है, उसका जायका थोड़ा है लेकिन उस पकौड़े में नहीं था, और ये क्रंची भी ज़्यादा है। तो अभी अलुगान और पापड़ के स्पॉट पर पहुंच गए। ये है गड़ाबंद पुल के थोड़ी दूरी पर है। इनके जो है ना आलू और पापड़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बहुत सारे खाए लेकिन मरवत में, लेकिन इनका जो है ना बहुत अच्छा है। ये भाई ना बोल सकता है और ना सुन सकता है, और ये मतलब बिजनेस कर रहे थे। बताएंगे तो आप बताओ कि हमारे यहाँ पापड़ ऐसे ये जो है पापड़ है लेकिन पश्चिम से गड्डू जी कहते हैं, और इसको इकट्ठे जो है अलगान। बहुत स्पाइसी चीज़ें खाने के बाद हमारा शुगर लेवल जो है वो थोड़ा डाउन हो गया है, ऐसे ही है। इनका माइंड जो है ना वो सुसन कर रहा है। तो अब जो है थोड़ा सा मीठी चीज़ खाने आए हैं। क्या चीज़ है? खाने नहीं, पीने आए। अच्छा, पीने। अच्छा, पीने वाली चीज़ रबड़ी इनको खाएंगे। अच्छा, रबड़ी है मेरे ख्याल में, लेकिन मरवत में पहली दफ़ा ही आई है ना? नहीं, पहली दफ़ा नहीं है, पहली भी थी लेकिन अभी फिलहाल यही पे है, सिर्फ अभी यहीं पे है। और हम पहली बार यहाँ पे हैं। और ये जगह कौन सी है? पार्क, टाउन हॉल पार्क जो है ना उसके सामने, ये टाउन हॉल पार्क, टाउन हॉल है। और ये जो है मशीन है, ये जगह है, थोड़ी सी छोटी सी मार्केट है उसमें। ये हमारे लिए रबड़ी बना रहे हैं, छोटे गिलास बदम बराबर कर दो।
रबड़ी जो है वो आ गई है, और इसमें जो है तो मलंगा ऊपर ऊपर दिख रहा है, अंदर भी इसमें। अब ट्राई करते हैं क्या है कैसा। ये जो दिल के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है तुख मलंगा। मज़े का है, ज़्यादा मीठा नहीं है जो सबसे मेन पॉइंट है, और एक जो ठंडा बहुत है तो मज़ा बहुत कर रहा है। हाउ वाज माई आइडिया, बहुत फजूल। निकल लाउ पहली फुर्सत में निकल। तो अभी टाइम है रिव्यू देने का, किस चीज़ का सबसे ज्यादा मजा है। मुझे तो रबड़ी और अलुगान। आपको? मुझे भी अलुगान और रबड़ी। मुझे भी यही। तो इससे ये मुझे नहीं चीज मजेदार थी ना। चलो मुझे पहले अलुगान फिर रबड़ी, आप पहले। तो इसी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब। भी चीज़ें बताया करें कि क्या चीज़ हम नेक्स्ट ट्राई करें जो लक्ष्य में मिलती हो, लेकिन हमें पता नहीं है। ताकि हम वहाँ बताया करें। इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फेसबुक पे तुम लाइक करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट छोड़।